स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटरमिनेंट से रिलेटेड जितने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने सारे डील किए थे। अब इस वीडियो में अपन डील करेंगे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइस आगे बढ़ते हैं फिर उससे। पहला क्वेश्चन है गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। अगर डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है वो है 3x7 - 2x - 11 = 38। ये क्वेश्चन का बिलासपुर 2015 में आया हुआ है, यानी बिलासपुर यूनिवर्सिटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इधर, फिर इसको सॉल्व करने का पैटर्न आप लोगों को आता है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है कभी भी। तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x - 11 और हम लोग हमेशा माइनस करते गए 7 - -2x इक्वल्स टू क्या दिए 38 दिए। सॉल्व करते फिर इसको आगे, 3x - 11 - 33x, क्योंकि आप ध्यान रखें 3 - 11 - 33 माइनस दिए तो माइनस, और इसके साथ x तो x अगेन माइनस, 7 - 2 = 14 माइनस दिए तो माइनस, और x के पास तो x इक्वल्स टू 38। ये माइनस 33x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 14x इक्वल्स टू 38। माइनस 33x प्लस 14x, और ये माइनस को मैं बेटर आएगा ऊपर लिख देता हूं, तो 19 1 19 2 एक्स इक्वल्स टू कितना माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या लिखी गाइस माइनस 2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, काफी इजी है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट दिया गया आपको 131 254 610। इस डिटरमिनेंट का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी आया होगा गाइस बिलासपुर 2006 में। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, सिर्फ वैल्यू अपने को फाइंड आउट करने बोला गया है। तो देखते हैं अपन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों को पैटर्न पता है, पहले एक नंबर लीजिए 1, यहां से दिया गया 1, फिर से रिलेटेड कॉलम और रोज को छुपा दीजिए, क्या मिलेगा आपको 5 4 10, उसको लिख लीजिए 5 4 10 अगेन माइनस, मैंने आपको बोला था अल्टरनेट समझाया, तो प्लस माइनस प्लस चलता रहेगा, तो माइनस का क्या आएगा 3। अब इससे रिलेटेड कॉलम और उससे रिलेटेड रो को छुपा दीजिए, क्या मिलेगा आपको 2 4 6 0 प्लस 1 अगेन, फिर 1 के साथ भी सेम करिएगा गाइस, उसको छुपा दीजिए, क्या मिलेगा आपको 2 5 6 1। सॉल्व करते हैं 1 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 into 0 - 4 into 1 - 3 टाइम्स, इधर भी सेम पैटर्न गाइस 2 into 0 - 4 into 6 + 1 टाइम्स 2 into 1 - 5 into 6। सॉल्व करते गाइस इसको 1 into 5 0 - 0 - 4 1 - 4 - 3 टाइम्स 2 0 - 0 - 4 6 - 24 + 1 टाइम्स 2 1 - 2 - 5 6 - 13। ये सारे कैलकुलेशन का आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, क्योंकि आपको तो कैलकुलेटर अलाउड रहता है। 0 - 4 - 4 - 3 टाइम्स 0 - 24 - 24 + 1 टाइम्स 2 - 30 - 28। सॉल्व इट, 1 into - 4 - 4 - - + 3 into 24 क्या होगा गाइस, ये होगा आपका 72 प्लस माइनस अगेन माइनस 1 into - 28 - 28 इटसेल्फ -4 + 72 करने से कितना गाइस 68 आएगा, और -28 तो 68 - 28 करो कितना गाइस 40। तो आप आंसर क्या करेगा 4040, वो भी प्लस में, क्योंकि 68 बड़ा है इसका। सो आई होप आप लोगों को ये पैटर्न क्लियर होगा गाइस। हम लोगों ने ये पैटर्न इसलिए यूज किया क्योंकि काफी इजी है और हम लोगों ने इसको काफी बार किया है, और इससे दो चीजें फायदे गई। सबसे पहला तो आपको इवेल्युएट करना इस पैटर्न से, तो एक ये याद रहेगा, दूसरा चीज आपको को फैक्टर निकालना है तो वो भी इसी पैटर्न से निकालते हैं गाइस, तो इसका मैं तो इसी मेथड को प्रीफर करूंगा। क्लियर है गाइस, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सॉल्व द फॉलोइंग डिटरमिनेंट बाय यूजिंग द रूल्स। तो रूल्स का यूज करके अपने को डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, और डिटरमिनेंट दिया गया है 33 23 30 3030 753 39 770। और ये क्वेश्चन गाइस आपका आया हुआ है रविशंकर 2005 और जगदलपुर 2013 में। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको रूल्स यूज करने हैं, तो यहां पर आप कौन से रूल्स यूज करेंगे गाइस,
तो यहाँ पर आप काफी सारे रूल्स तो ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मैं आपको इसको इजी मेथड में सॉल्व करके बताता हूँ। तो अपन इसको इजी मेथड में सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, सामने वाले नंबर को एज़ इट इज़ लिख देते हैं पहले तो 13, 30 एंड 39। नेक्स्ट वाला कॉलम भी एज़ इट इज़ 3, 7, 9। अब ये जो अपना थर्ड कॉलम है इसको मैं स्प्लिट करके लिखूंगा गाइस। जैसे 23 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10+30 लिख सकता हूं, 53 में लिख सकता हूं गाइस मैं 23+30। क्लियर? नेक्स्ट वैसे 17 क्या लिख सकते हो भाई, 20 भी लिख सकता हूं मैं, 31+39। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने वो पता कैसे चलेगा कि ऐसा ही लिखना है करके, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां पर अपन करके आ रहे हैं ना, अपन यहां पर ध्यान दीजिए, पहले वाला जो कॉलम है उस कॉलम के एलिमेंट्स को अपन यहां पर रिलेट कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ उससे, तो ये प्रॉपर्टी में पढ़े थे अपन लोगों ने क्या, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाए, यानी कि सब में आने वाले सारे एलिमेंट सेम हो जाए, तो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अपने को सॉल्व करने से बच जाएंगे अपन, और वैसे बहुत बड़ा नंबर है तो उसको थोड़े भी ज्यादा बेटर पड़ेगा अपने को, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अपन इसको इस तरह ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, मैं इसको 23 को ऐसा लिखा कि उसमें 13 बाहर निकल जाए तो 10 बचेगा, 53 को मैंने ऐसा लिखा कि 30 बाहर निकल जाए तो 23 बचा, 70 को ऐसा लिखा कि 39 बाहर तो 31 बचा। तो इस पैटर्न में मैंने उसको जान बुझ कर रखा थोड़ा, क्लियर। अब उससे आगे बढ़ते थोड़ा, अब इसको क्या करना है, आप लोगों को पता है कि इस टाइप के डिटरमिनेंट को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला 13, 3 पहला नंबर को लिखिए 10, नेक्स्ट 37, फिर इसमें ही पहला नंबर 23, फिर नेक्स्ट 39, 9, फिर से वाला नंबर 31, और बीच में प्लस दिया गाइस, समेशन ऑफ प्लस, बाकी सबको एज इट इज उतर जाएंगे, जैसे 13, 30 और 39, 3, 7 और 9 भी एज इट इज उतर गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहला वाला नंबर को मैंने यहां लिखा, तो अब दूसरा वाला नंबर की बारी 13, 30 एंड 39। अब यहां पर करना क्या गाइस, आपको इसको सॉल्व करिए या और इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद वैल्यू को ऐड कर दीजिए, लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं गाइस। देखिए ये कॉलम और ये कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल होने की वजह से इनकी इस डेट की वैल्यू यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इक्वल्स टू 0 हो गया, तो वो तो मैं बच गया उसको सॉल्व करने से, इसके अलावा ये बच गया। अब आपको चाहिए क्या, आप चाहो तो अभी भी इसको और छोटा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, तो इसको और छोटा करना है गाइस, चलो कर लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, फिर से तोड़ूंगा, तो अब इसको किस फॉर्म में तोड़ सकता हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा मैं पर रखा हूं 13, 30, 39, 3, 7, 9, मैं फिर से आखिरी वाले को तोड़ लूंगा, लेकिन इसमें मैं सेकंड वाले कॉलम को रिलेट करूंगा, ठीक है। तो 10 को 3 के टर्म्स में लिखना है, तो 7+3 लिख सकता हूं, 10 होता 7+3, 23 को 7 के टर्म्स में लिखना है, तो क्या 7 ऐड करूंगा तो 23 आएगा। तो हम लोग सभी को पता है कि किसमें 16 में अगर 7 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 23 मिल जाएगा। नेक्स्ट वाली 31 को 9 से अलग करके लिखना है, तो कौन से नंबर पे 9 ऐड करूंगा तो 31 आ जाएगा, किस नंबर पे गाइस 22। आई होप आप लोग इतना क्लियर होगा। फिर से अपने को शुरू करना गाइस, फिर ये डिटरमिनेंट दो फॉर्म में टूट जाएगा, क्या क्या 13, 3 और पहला वाला नंबर फिर से 7, 37 और फिर से पहला नंबर गाइस 16। क्लियर है? नेक्स्ट आगे गाइस, नेक्स्ट वाला 39, तो 39, 9 और 22 प्लस। अब नेक्स्ट वाला टर्म की गाड़ी गाइस 33, अब पहला वाला नंबर सब में लिख चुके हैं अपन, तो नेक्स्ट वाला नंबर लिखते 3, फिर सेकंड रो के लिए 37, फिर से इसका सेकंड नंबर तो 7, नेक्स्ट वाला रो गाइस 39, 9 और लास्ट वाला नंबर फिर से 9। अब इसको देखिए गाइस, इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि ये देखिए इसमें भी फिर से दो कॉलम सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, अपने पास सिर्फ ये बचा। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना इधर, यहां पर डिटरमिनेंट लिया मुझे 13, 3, 7, 37, 16, 39, 9 और 22। आप चाहे तो अभी भी इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं गाइस, आपको करना है कि इसको स्प्लिट, तो चलिए एक बार और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और छोटा हो जाएगा वो नंबर। तो 13, 3, 7 क्या लिख सकते हो गाइस, 4+3, 7, 37, 16 को 7 के टर्म्स में लिखना गाइस, तो 9+7, 16 होता है 39, 9, 22 को 9 के टर्म्स में लिखना गाइस, तो फिर से 13+9 क्या होता है 22 होता है, फिर से दो टर्म्स में स्प्लिट हो जाएगा गाइस, क्या मिलेगा, एक साइड मिलेगा आपको 13, 3, 4, 37, 9,
39 9 13 और प्लस गाइस क्या मिला 13 3। पहला वाला नंबर मैंने सब में लिख लिया, अब सेकंड वाला नंबर की बारी 3 37 7 39 9 9। फिर से यहां पर दो कॉलम सेम हो गए गाइस, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब ये वाला नंबर मिल गया गाइस, इसको आपको और अगर आप चाहो तो तोड़ सकते हो, वैसे मुझे लगता नहीं कि इसके रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर से तोड़ रहा हूं ठीक है, क्योंकि अपने को पर्टिकुलर ये क्वेश्चन बोला ही है कि प्रॉपर्टी यूज करना है। अगर आपको थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा लंबा जा रहा है, झला रहा है क्वेश्चन, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा उसमें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रॉपर्टी यूज करके ही सॉल्व करना है, तो इसी कारण अपन इतना लंबा मैथड जा रहा है, क्योंकि अपने को प्रॉपर्टी यूज करना है, तो प्रॉपर्टी यूज के बिना अपन सॉल्व नहीं कर सकते। सो मैं इस डिटरमिनेंट को पकड़ा, उसको मैं फिर से तोड़ूंगा गाइस, तो इसको फिर से मैं दो पैटर्न पे लिखूंगा तोड़ के, वो क्या क्या मिलेगा अपने को ध्यान में इधर। अब इस बार मैं इस 13 को तोड़ रहा हूं, इस 13 को मैं क्या करता हूं लास्ट वाले टर्म्स पे लिखता हूं, लास्ट वाले कॉलम को रिलेट करके, तो मेरे को मिल जाएगा वो 9 प्लस 4, बाकी एज इट इज। 30 वाला मिल सकता है मेरे को 21 प्लस 9, बाकी एज इट इज। लास्ट वाला मिल सकता है मुझे 13 इसमें माइनस करना गाइस, 26 प्लस 13 9 और 8 13। अब इसमें से फिर से दो टर्म्स टूटेंगे गाइस, तो पहला वाला नंबर को लेते अपन 9 3 4, इसमें पहला वाला नंबर 21 7 9, इसमें पहला वाला 26 9 13। अब प्लस क्या मिला गाइस 4 9 13 के साथ 3 7 9 एंड अगेन 4 9 13। तो देखिए गाइस ये कॉलम और ये कॉलम फिर से सेम, तो इसकी वैल्यू 0। लास्ट वाला अपने क्या मिला योर डिटरमिनेंट, अपन इसको क्या करेंगे फर्दर इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं अपन। अब जैसे अपन इसको स्प्लिट कर रहे थे, तो मैं इसको फिर से स्प्लिट करता हूं, इस बार मैं करूंगा कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को फिर से मैं रिलेट कर रहा हूं, तो रिलेट करने से मेरे क्या मिलेगा 9 को मैं 4 के टर्म्स में स्प्लिट करूंगा, तो मैं 9 को लिख सकता हूं 5 प्लस 4, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे क्योंकि वो तो सेम है, क्योंकि इसको चेंज भी नहीं करना मुझे। अब जैसे 21 को मेरे 9 के टर्म्स में तोड़ना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं 5 प्लस 9 ठीक है। नेक्स्ट वैसे 26 को मैं 13 के टर्म्स में तोड़ना है, तो 13 प्लस 13 लिख सकता हूं उसको मैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा फिर से डिटरमिनेंट प्लस के फॉर्म में आ रहा है, तो फिर ये दो पार्ट में डिवाइड जाएगा, ये एक बार पहला नंबर को लेके बात करेंगे अपन, 5 को लेके 5 3 4, फिर से पहला नंबर 12 7 9, फिर से पहला नंबर 13 9 13, और प्लस इस बार सेकंड नंबर के साथ तो 4 3 4, ये 4 है गाइस, फिर नेक्स्ट 9 7 9, फिर नेक्स्ट 13 9 13। आई होप आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। यहां फिर से देखिए ये पहला कॉलम और ये तीसरा कॉलम फिर से सेम हो गए, तो इनकी वैल्यू क्या होगी गाइस 0 हो गई फिर से। अब इसको अपन ध्यान देते हैं, इसको आप चाहो तो डायरेक्टली फिर से यहीं पर सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं आपको चाहिए कि आप और ज्यादा स्प्लिट करो तो और भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहां पर फिर से दोबारा लिख के स्प्लिट करने वाला हूं गाइस 12 7 9 एंड 13 9 13। अब इसको मैं फिर से स्प्लिट करने वाला हूं, मैं 5 को लिख सकता हूं 1 प्लस 4 3 4, 12 को लिख सकता हूं गाइस मैं, और 9 मेरे को मैं लास्ट वाले से रिलेट कर रहा हूं, तो मैं 9 को सेपरेट करूंगा, तो मेरे को आएगा 3 प्लस 9, बाकी 7 9 एज इट इज। फिर 13 को लिख सकता हूं गाइस, अब 13 को 13 में कैसे सेपरेट करूंगा, तो कुछ नहीं निकाल सकते इस बार 0 प्लस 13। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये। अब इसके बाद फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया गाइस, एक बार पहले नंबर के साथ यानी 1 के साथ, तो 1 3 4 3 7 9 और 0 9 13। अब एक बार सेकेंड नंबर के साथ गाइस, तो 4 3 4 9 7 9 एंड 13 9 13। अब यहां फिर से देखिए पहला तीसरा तो फिर सिमिलर, तो फिर उसको हटा देते हैं गाइस, इसकी वैल्यू 0। अब ये लास्ट वाला बच गया, आप चाहो तो इसको फिर अभी भी और भी स्प्लिट कर सकते हो, और अगर नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो आपको कैसे करना है, तो हम लोग अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा गाइस, मैं आप लिख देता हूं ध्यान देना, 1 7 9 9 13 माइनस 3 टाइम्स 3 9 0 13 प्लस 4 टाइम्स 3 7 0 9। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 टाइम्स 7 इंटू 13 कितना होता है गाइस, 7 इंटू 13 अगर अपन करते हैं तो अपनी बात है 91 माइनस 9 81 माइनस 3 टाइम्स 13 इंटू 3 39 माइनस 9 0 0 प्लस 4 टाइम्स 9 3 27 माइनस 7 0 0 गए 1 टाइम्स 91 माइनस 81 करेंगे कितना है गाइस 10 आएगा माइनस 3 टाइम्स 39 माइनस 0 इज 39 प्लस 4 टाइम्स 27 माइनस 0 इज 27। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं,
तो 1 इंटू 10 कितना आ रहा है गाइस, 1 इंटू 10 आता है 10 माइनस 3 इंटू 39 अगर आप करते हैं तो आपको कितना मिलेगा गाइस, तो आपको मिलेगा 117 प्लस 4 इंटू 27 करो कितना मिलेगा गाइस 108। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 10 माइनस 117 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा गाइस, आपको मिलेगा माइनस 107 और प्लस 108, तो माइनस 107 प्लस 108 कितना है गाइस 1। तो डेफिनेटली आपने ये जो इक्वेशन यानी कुल मिलाकर आपको एकदम सिंपल कर ये वाला जो इक्वेशन आपको मिला यानी डिटरमिनेंट जो मिला उसको आपने सॉल्व किया तो आपसे कितना है 1। तो डेफिनेटली अगर आप इसको भी सॉल्व करते तो आपको वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी गाइस। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। तो ये ऐसा मैथड है जिसमें हम लोगों ने रूल्स लगा के इसको सॉल्व किया डिटरमिनेंट को, क्लियर है आपको। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपने को सॉल्व कर रहे हैं डिटरमिनेंट को और इसकी वैल्यू आएगी 0 दिया हुआ है क्वेश्चन पे ऑलरेडी। अपना डिटरमिनेंट है एक्स प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी, ए बी एक्स प्लस सी, और ये क्वेश्चन आया होगा गाइस बिलासपुर 2007 में। सॉल्व कर रहे हैं डिटरमिनेंट को, सॉल्व करने का मतलब है यहां पर एक्स की वैल्यू निकालने वाला है। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या करना है, इस डिटरमिनेंट में एक्स की वैल्यूज निकालनी है, क्लियर है ना, ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, आपने ऐसा बोला है। तो सॉल्व कैसे करना है गाइस, तो सॉल्व करने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा आप इसको जैसे डिटरमिनेंट को अपन नॉर्मल सॉल्व करते वैसे करते हैं, तो उससे बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करते हैं गाइस, एक्स प्लस ए बाहर, फिर इसका अकॉर्डिंग और इसका रो छुपा देते हैं, अपन क्या बचेगा एक्स प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी ना माइनस बी टाइम्स ए सी ए एक्स प्लस सी नेक्स्ट प्लस सी टाइम्स ए एक्स प्लस बी ए बी। अब इसको सॉल्व करना है गाइस, एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी माइनस सी बी और बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस आप बी सी लिखते हो या सी बी लिखते हो, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है, ठीक है। माइनस बी टाइम्स ए इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए सी प्लस सी टाइम्स ए बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, ये एक्स प्लस ए तो एक्स प्लस ए ही रहेगा पहले, सेकंड वाला एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स सी एक्स प्लस बी इंटू सी, ये तो आपने बोल सकते ना बी सी माइनस अगेन माइनस बी सी दिया बी टाइम्स ए इंटू एक्स ए एक्स प्लस ए इंटू सी ए सी माइनस ए सी प्लस माइनस ए सी दिया हुआ था सी टाइम्स ए बी माइनस ए इंटू एक्स ए एक्स प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी। आई होप आप लोग इतना तो क्लियर हो रहा होगा, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर से एक्स प्लस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर कुछ कट रहा है काट देते गए, देखिए प्लस बी से माइनस बी से कट गए, चलो पहले ही एलिमिनेट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, अच्छा टर्म नहीं था ना वो माइनस बी बी टाइम्स ए एक्स ए सी ए माइनस ए सी अगर कट हो गई प्लस सी टाइम्स, यहां भी ध्यान दीजिएगा ए बी और ए बी कट गए माइनस ए एक्स बचा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाला चीज है, अब ये सब कुछ से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर अगेन प्लस बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस अगेन सी एक्स इंटू एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इंटू ए सी एक्स माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी एक्स प्लस माइनस माइनस ए सी एक्स, क्लियर है गाइस आपके। तो इसमें भी जो टर्म कट रहे हुए काट देते हैं, यहां ध्यान दीजिए प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स कट गया प्लस ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स कट गया, बचा क्या गाइस तो जो बचा उसको लिख देते एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर बस, और इक्वल्स क्या बचा गाइस उधर क्या दिया 0। अब इसमें से कॉमन करते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर को निकाल दे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाहर अंदर बचा ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो डेफिनेटली इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा गाइस, मैं इसको इधर थोड़ा इधर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बाहर अंदर बचा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ आप लोगों को इतना बेसिक तो आता है गाइस कि किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कब जीरो होगा,
आप ऐसा एक नंबर बताओ मेरे को, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से जीरो आएगा, तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर कोई सा भी नंबर ले लीजिए और उसमें जीरो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेफिनेटली जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको जीरो मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली उन दोनों में से एक नंबर जीरो है ना। तो वैसे ही तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से जीरो मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली दोनों में से एक जीरो है। तो क्या हो सकता है गाइस, वो या तो एक्स स्क्वायर जीरो हो सकता है और या फिर ये वाला टर्म यानी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो सकता है। अगर ये वाला टर्म जीरो हुआ यानी एक्स जीरो है खुद, और अगर ये वाला जीरो हुआ तो गाइस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस वाले को उधर दे देते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो गाइस आपको यहां पर दो वैल्यू मिली एक्स की, या तो एक्स जीरो होगा तो भी ये सेटिस्फाइड है, और या फिर एक्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होगा तो भी वो सेटिस्फाइड है। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो इस डिटरमिनेंट को, तो आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलती है, एक जीरो और एक माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो आई होप आप लोग इतना क्लियर होगा। सो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को इसको प्रूफ करना है डिटरमिनेंट को, टू ए माइनस ए फाइव सी सी इक्वल्स टू सेवन ए सी करके होता है, ये अपने को प्रूफ करना है गाइस। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बिलासपुर 2004 में, तो चलिए देखते हैं सॉल्व करने इसको। बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ अपने को जो बेसिक पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, वही ट्रिक अपने को अप्लाई करना है, ठीक है। एक बात मैं और आपको बता दूं, ये मैं जैसे आप बना देता हूं ऐसा आपको नहीं बनाना है, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाता हूं। तो चलिए इसे सॉल्व करते फिर। तो टू ए में सी मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, टू ए सी माइनस करते हैं अपन हमेशा, किसको माइनस करेंगे गाइस, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट को, यानी ए इंटू फाइव सी, तो फाइव ए सी हुआ और माइनस दिया तो माइनस 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 प्लस हो गया गाइस, टू ए सी प्लस फाइव ए सी, तो दो ए सी में पांच ए सी और जोड़ दो कितना हो गया गाइस, सेवन ए सी, यानी काफी ठंडक रहेगा। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है गाइस, अपने को दिए गए डिटरमिनेंट को प्रूफ करना है किसी वैल्यूज के। तो डिटरमिनेंट क्या है, एल प्लस थ्री एल माइनस थ्री एम प्लस सिक्स एंड एम माइनस फोर, इसको प्रूफ करना है गाइस कि ये सिक्स एम माइनस टेन एल प्लस सिक्स के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ गाइस बिलासपुर 2010 में, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको करना क्या है, फिर से सेम पैटर्न, मैं आपको हर बार बोलूं बेसिक मत भूलिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एल प्लस थ्री इंटू एम माइनस फोर, क्या करना है माइनस करना है, एल माइनस थ्री इंटू एम प्लस सिक्स फोर, तो चलिए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एम इंटू एम एम एल प्लस थ्री इंटू एम थ्री एम माइनस फिर माइनस दिए, फोर इंटू एल फोर एल प्लस माइनस माइनस एंड फोर इंटू थ्री ट्वेल्व माइनस एम इंटू एल एम एल माइनस दिए तो माइनस गाइस, एम इंटू थ्री थ्री एम प्लस सिक्स इंटू एल सिक्स एल प्लस माइनस माइनस एंड सिक्स थ्री का एटीन, तो इसको ओपन कर लेते गाइस, एम एल प्लस थ्री एम माइनस फोर एल माइनस थर्टी, अभी माइनस होना चल जाएगा इस वाला, तो माइनस एम एल एंड माइनस माइनस प्लस थ्री एम प्लस माइनस माइनस सिक्स एल एंड माइनस माइनस प्लस एटीन, एम एल माइनस एम एल कट गया गाइस, और कुछ कट रहेगा तो ध्यान देना, थ्री एम प्लस थ्री एल सिक्स एम माइनस फोर एल माइनस सिक्स एल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया गाइस, फोर प्लस सिक्स टेन एल, बड़ा सिक्स है साइन माइनस हो गया माइनस टेन एल। इसके अलावा माइनस थर्टीन प्लस एटीन कितना होता है गाइस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस सिक्स। तो आई थिंक हो गया प्रूफ, वो काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी मेथड भी था, बहुत ही इजीली आप स्कोर कर सकते नंबर अगर आपको बेसिक याद है तो, ठीक है, तो आप बेसिक जरूर याद। सो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आप इसको प्रूफ कर रहे हैं, दिया गया डिटरमिनेंट इस बार थ्री बाय थ्री का है, यानी तीन दो तीन कॉलम के डिटरमिनेंट है वन 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 ए बी सी एंड बी सी सी ए बी, अपने इसको प्रूफ कर रहे हैं कि ये बराबर होता है ए माइनस बी टाइम्स बी माइनस सी टाइम्स सी माइनस ए के। तो ये क्वेश्चन आया हुआ गाइस बिलासपुर 2006 और 2012 में, तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसमें इसका हालांकि एक मेथड है जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा मेहनत करेंगे नहीं, तो अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे गाइस। काफी इजी मेथड है, काफी इजी, आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत इजी भी रहेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए गाइस करना क्या है, पहले सॉल्व कर लीजिए नॉर्मल डिटरमिनेंट इसको, जल्द सॉल्व करते हैं। तो वन टाइम्स बी सी ए सी ए बी माइनस वन टाइम्स ए सी बी सी ए बी प्लस वन टाइम्स ए बी बी सी ए सी, क्लियर गाइस, अब से सॉल्व करते हैं। वन टाइम्स बी इंटू ए बी ए बी स्क्वायर माइनस ए ए सी इंटू ए सी ए सी स्क्वायर माइनस वन टाइम्स ए इंटू ए बी ए स्क्वायर बी माइनस सी इंटू बी सी स्क्वायर
प्लस वन टाइम्स ए इंटू ए सी ए स्क्वायर सी माइनस बी इंटू बी सी बी स्क्वायर सी. सॉल्व कर दिया वन का मल्टीप्लीकेशन ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस वन अंदर गया तो माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस बी सी स्क्वायर प्लस वन अंदर गया तो ए स्क्वायर सी और माइनस बी स्क्वायर सी. क्लियर गाइस आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो मान के चलिए ये जो डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से ये जो वैल्यू मिली इसको आप दे दीजिए क्वेश्चन नंबर वन और बोल रहा है कि इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू मिलेगी वो इसके बराबर होगी. तो बराबर तो आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को भी मेरे को भी नहीं दिख रहा वैसे. तो आगे बढ़ते हैं इस पे. अपने करना क्या है इसके दिए गए आंसर को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं. चलिए देखते हैं कि एक्चुअली इसकी वैल्यू है क्या. तो यहां पर लिख दीजिएगा गाइस फ्रॉम क्वेश्चन ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी बी सी. ये दोनों मल्टीप्लाई किया कितना मिला और सी माइनस ए एज इट इज. अब सी से मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सॉरी सी मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी सी वेट ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर अगेन माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए सी क्या होगा गाइस ए स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस और ए इंटू बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी कट गया. नेक्स्ट इसको अरेंज कर देंगे गाइस तो यहां पर दिया हुआ ए बी स्क्वायर पहले लिख दिया. इसके बाद क्या लिखता हूं इसके सिंपल ए वाले को पहले लिखा मतलब सिर्फ ए ए वाले को अरेंज करें. यहां पर ए और कहां पर इसमें तो माइनस ए सी स्क्वायर. अब बी वाले को देखिए सिर्फ बी ना तो सिर्फ एक यहां पर है और एक यहां पर है ठीक है. तो अरेंज कर लेते माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर आगे पीछे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें. अब सी वाले को अरेंज करना है तो सी वाले को अरेंज करते यहां पर एक सी दिख रहा है मेरे को यहां पर एक सी है ये तो हो चुका है गाइस ए वाला था ये वाला दिख रहा तो माइनस बी स्क्वायर सी. तो इसको सॉल्व करने से ये मिल रहा है तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू. अब आप मैच करिए अगर अपने लोगों ने सही किया है तो इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू मिली ये और इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू मिली ये दोनों सेम होगी. चेक करते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी तो सेम है गाइस. तो इसमें आप कुल मिला के डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे आपको डेफिनेटली ये वैल्यू मिलेगी. क्लियर है. इसके अलावा इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जो काफी लेंथी हो जाएगा और काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आप लोगों के लिए तो अपन उसको छोड़कर ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं. क्लियर गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. सो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट 137753201. अपने कुछ भी इवैल्यूएट कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है बिलासपुर 2013 में. तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. आई थिंक आप लोगों को पता सॉल्व कैसे करना है बहुत इजी मेथड फिर से सेम अपन अप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट सॉल्यूशन का. वन के बाद रो कॉलम छुपा दीजिए 5301 फिर माइनस थ्री के बाद फिर उसका रेस्पेक्टिव रो कॉलम छुपा दीजिए 7321 प्लस सेवन फिर उसके बाद सेवन का रेस्पेक्टिव कॉलम को छुपा दीजिए 7520. अब इसको अपने सॉल्व करें वन टाइम्स फाइव इंटू वन फाइव माइनस थ्री जीरो जीरो माइनस थ्री सेवन में सेवन माइनस थ्री टू जब सिक्स प्लस सेवन टाइम्स सेवन जीरो जीरो माइनस फाइव टू जब टेन वन इंटू फाइव माइनस जीरो इज फाइव माइनस सेवन माइनस सिक्स इज वन प्लस सेवन जीरो माइनस टेन इज माइनस टेन तो वन इंटू फाइव फाइव माइनस थ्री वन जा थ्री प्लस माइनस माइनस सेवन टेन जा सेवेंटी फाइव माइनस थ्री इज टू टू माइनस सेवेंटी इज माइनस सिक्सटी एट. तो आपको आंसर कितना आएगा माइनस सिक्सटी एट. काफी सिंपल आई थिंक क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल पैटर्न भी था क्योंकि आप लोगों ने काफी सारे प्रैक्टिस किए तो आप लोगों को इजी लग रहा होगा डिटरमिनेंट. सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक डिटरमिनेंट एज वेल और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक पूरा डिटरमिनेंट. इसके अलावा डिटरमिनेंट बस इतना ही. सो कीप वॉचिंग गाइस एंड थैंक यू.